कोई भी नहीं देखता इट्स नॉट रिलेवेंट 16 इयर्स ऑफ योर लाइफ मैम वो डिग्री आई कांट शेयर इट डिग्री हम दे चुके हैं मैम सिलेक्शन सो व्हाई हैवंट यू एडेड दैट दैट मींस अ टीचर और अ फैसिलिटेटर कैन बी एनीबॉडी इवन देखिए आइज़क न्यूटन दरख्त के नीचे बैठे थे उनके सर पे सेब गिरा क्या किया उन्होंने उस लम्हे से सवाल किया और उससे सीखा हवाई जहाज हमने बनाना किससे सीखा कश्ती बनाना किससे सीखा मछली से आपका उस्ताद कहीं भी हो सकता है आप ध्यान दें तो उस्ताद हाजिर हो जाता है व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स इसका आपको बेहतरीन उस्ताद दे दिया जाए लेकिन स्टूडेंट ना सीखना चाहे आप कुछ नहीं कर सकते रेजिस्टेंस जब हम आज करेंगे एक बात ये दूसरी बात आप मुझे बताएं कि ये जितनी चीज़ें आपने लिखी हैं खासतौर पर क्वालिटीज एटीट्यूड्स इनको आधे ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स ऑल 100% ह्यूमन स्किल्स आरिफ कहाँ गए They are all human skills. Number three, have you learned these in school? Is there a chapter in your book of any subject which teaches you commitment, which teaches you politeness, which teaches you smartness or listening? No. Where do you learn these then? From the society, from your home, from your environment, from your religion, all of these things. Come from external sources, not the what you spent your fees on. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये एक अच्छे ट्रेनर की ये क्वालिटीज हैं तो ये आपका सीवी बनता है सीवी पे ये नहीं लिखे हैं कि मैंने इस कंपनी में काम किया तो फला वो भी लिखे साथ ये लिखे कि मेरे अंदर खूबियाँ क्या हैं मेरा रवैया क्या है मैं जब लोगों को अपनी कंपनी में हायर करती हूँ तो मैं ये चीज़ें देखती हूँ मुझे इससे कुछ नहीं कि आपने किस कंपनी में काम किया मुझे चाहिए रवैया क्या है इस शख्स का ये गलतियों से सीख सकता है इसके पास एक बड़ी तस्वीर है देखने की ये अपने लोगों को टीम की तरह लेके जा सकता है साथ ये मैं देखती हूँ और मेरा इंटरव्यू बड़ा मुख्तसर होता है मैं क्या करती हूँ दो रोलेक्स की घड़ियाँ लेती हूँ एक रोलेक्स की घड़ी टूटी हुई होती है पुरजे पुरजे और एक साबित होती है मैं दोनों घड़ियाँ उसके आगे रख देती हूँ वो बच्चा आता है सामने लेकर मैं कहती हूँ बैठो बेटा मुझे बताओ कौन सी घड़ी पसंद करोगे 99.9% साबत घड़ी उठाते हैं इंटरव्यू ख़त्म मैं कहती हूँ जाओ मुझे नहीं चाहिए आप जिस प्रोडक्ट ने वादा किया है कि दो नस्लें एक सेकंड आगे पीछे नहीं होगी मुझे उसके लिए बंदा हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं ये मुल्क हमारा टूटा हुआ है मुझे वो लोग चाहिए जो टूटी हुई चीज़ बनाएं और सिर्फ 0.1% ऐसे लोग होते हैं जो टूटी घड़ी उठाते हैं जब वो उठा लेते हैं मैं उनसे कहती हूँ ये सीवी मुझे नहीं चाहिए अगले हफ्ते तक मुझे एक सीवी नया बना के ला के दो जिसमें बताओ कि तुमने पिछले 6 महीने में कितनी गलतियाँ की हैं उससे सीखा क्या है और जो कहते हैं कि मैंने तो कोई गलती नहीं की मैं कहती हूँ शुक्रिया आप जा सकते हैं जब वो सीवी गलतियों की लेके आ जाता है मुझे इतमाद होता है कि ये सीखेगा इसका रवैया ठीक है तीसरा स्टेप होता है मुझसे पूछते तुम्हें तनख्वाह कितनी चाहिए कहते क्या मतलब मैंने कहा बताओ तुम्हें कितनी चाहिए स्टूडेंट होते हैं कहते हैं 30,000 मैं कहती हूँ नहीं और पूछो और मांगो जब तक लाख पे उनको नहीं कम से कम लेके जाते मैं कहा लाख चाहिए हाँ जी चाहिए तो फिर मुझे एक प्रोजेक्ट बना के दो एक हफ्ता दो हफ्ते दो मुझे बताओ मैं तुम्हें लाख दूंगी तो तुम मुझे 3 लाख कैसे ला के दोगे बस ये तो मुझे बना दिया जॉब तुम्हारी इंटरव्यू खत्म 99% भाग जाते हैं लेकिन जो रहता है वो खरा और खालिश हो